नमो नारायण। 31 अगस्त सन 2017 और गुरुवार का दिन है और पुनः हृदय के भावों को लेकर आपके सामने हूँ। खाली इतना कहना चाहता हूँ कि जिंदगी अनमोल हीरा है, काहे परेशान है आप लोग। नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनैश्चरम। देवादिदेव शनिदेव का ध्यान करने से, उनके मंत्रों का जाप करने से, गरीब निर्धन बेसहारों का साथ देने से जीवन सदा खुशियों से भरा रहता है। इसलिए देवादिदेव शनिदेव के अद्भुत प्रणों का जाप करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। इन आँखों में देखिए सहज भाव से, और इन आँखों में देखते हुए ये 20 मिनट मानस जाप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि दाती महाराज, धन लाभ के लिए कोई न कोई उपाय जरूर बताए। देखिए, कर्म के प्रति सजग, परिश्रम, मेहनत, निधन का हक नहीं मारे और अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता तो धन लाभ जरूर होता है भाई। और संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी धन लाभ नहीं हो रहा है तो शनिवार के दिन प्रदोष काल में उड़द के 7 बड़े ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही डाल दीजिए, 7 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा केसर, भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए सरसों का तेल का दीपक जलाई, देवादिदेव शनिदेव का पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात ओम शम नील लोहिताय नमः, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। पीपल की पेड़ की 21 परिक्रमा करते हुए ये पूजन सामग्री पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन प्रदोष व्रत में प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन प्रदोष काल में ही इस पूजा को करें, अवश्य देवादिदेव शनिदेव की कृपा से लाभ होगा। नमोने बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 31 अगस्त का जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, देवादिदेव शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 31 अगस्त आपका जन्मदिन या फिर आपकी शादी की सालगिरह, निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ा, लाख कोशिशों के बावजूद भी आपका काम नहीं चल रहा है, कैरियर के क्षेत्र में उठापटक चल रही, शिक्षा को लेकर आप परेशान हैं, परिवार को लेकर आप परेशान हैं, स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हैं, जीवन में सदा उथल पुथल रहती है। छोटी सी बातें हैं जिनको आप जीवन में उतारिए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 800 ग्राम गुड़ मंगलवार के दिन किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। और लगातार 40 दिन माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में पूजा वाला नारियल चढ़ाना कारोबार, कैरियर, स्वास्थ्य, परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए उत्तम उपाय माना गया है। नमो नारायण। मैं आपको अब ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए, मैं बात करूंगा गुरुवार के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि, समय उत्तम, ग्रह गोचर आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं और आज जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, कैरियर और कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, राजनीतिक और सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, कारोबार में आर्थिक लाभ होगा, सामाजिक सेवाओं का सुअवसर प्राप्त होगा और आपके कार्यों की प्रशंसा समाज भी करेगा। आज माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद भी रहेगा और जीवन खुशियों से बीतेगा, आज पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति जिम्मेदार बने रहना बहुत जरूरी दिन भर, क्या ना करें, किसी से भी कटु वचन ना बोले। नमोनारायण। बात करते हैं वृषभ राशि की, वृषभ राशि वालों समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, गोचर ये संकेत दे रहा है कि आज परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, जिस तरह की घर योगा योग है रोग और ऋण से मुक्ति मिलेगी, अपनी प्रतिभा के बल पर कैरियर हो चाहे कारोबार हो चाहे शिक्षा हो चाहे परिवार हो चाहे समाज में हो सफलता हासिल करेंगे, सास और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद और मदद मिलेगी, आज जो भी आवश्यक कार्य वो शीघ्र संपन्न होंगे। नमो नारायण। तो क्या करें, पारिवारिक खुशियों में शामिल होना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा, क्या ना करें, व्यर्थ का जिद और हट आज ना करें। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों गोचर ये संकेत रहा कि संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, संतान पक्ष अच्छा रहेगा,
स्वावलोकन का मौका मिलेगा। पेट संबंधी परेशानियों से थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भागदौड़, मेहनत और परिश्रम और परेशानी के बावजूद भी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मेहमानों का आवागमन बना रहेगा और मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी। मध्यम गोचर है, लेकिन फिर भी आंख और गले संबंधी कोई बीमारी नहीं हो, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। नमन क्या करें, अपने विचारों को संतुलित रखें, क्या ना करें, आत्मविश्वास में कमी ना आने दे मेरे मित्र। नमन रहे मेष वृषभ मिथुन की बात करी मैंने, करक सिंह कन्या की बात करूं, लेकिन उससे पहले गुरुवार का राहु काल या फिर गुरुवार की यात्रा। गुरुवार का राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गए, ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते गुरुवार की यात्रा की। देखो भाई, समय और साधन दोनों ही बदल गए, इसलिए आप किसी दिशा में यात्रा करिए, लेकिन गुरुवार के दिन यात्रा करते समय, घर से निकलते समय 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाएं, इस देव का ध्यान करते हुए राइट टर्न करें, और जिस दिशा में भी आपको यात्रा करना उस दिशा में आप निकल जाएं। गुरुवार के दिन जीरा चबाकर यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि गोचर की बात कर रहा हूं, भयभीत होने की जरूरत नहीं, दाती महाराज आपके साथ है, लेकिन गोचर ये संकेत दे रहा है कि आज भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है, और गोचर की प्रतिकूलता की वजह से प्रतिद्वंदी कार्य में हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा सावधान रहना। विवादित जमीन जायदाद के मसले उलझ सकते हैं मेरे मित्र। आपकी भोग विलास की प्रवृत्ति और आपकी संगति आज आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए भोग विलास की प्रवृत्ति से बचें और कुमित्रों से दूर रहें। जिस तरह के घर योगायोग है, समय और धन का अपव्यय से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक और शारीरिक तनाव है, ऐसा गोचर संकेत दे रहा है दाती महाराज का। खाली इतना कहना है कि थोड़ा सा सावधान रहते हुए, सचेत रहते हुए ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, गंगा जल और मिश्री डालकर अभिषेक करेगा, कष्ट कम आएंगे। क्या करें, समस्या का समाधान वार्तालाप से करने का प्रयास करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या ना करें, बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो मेरे मित्र तो कारोबारी लंबी यात्रा ना करें, न मना। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, समय उत्तम सितारों का शुभ संकेत। गोचर यह संकेत दे रहा है कि कारोबार में, व्यवसाय में, नौकरी में, कैरियर में, शिक्षा में जो बाधाएं आ रही है उन बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, आयात और निर्यात के कार्य में लाभ होगा, और देश विदेश से व्यवसायिक अनुबंध भविष्य के लिए बड़े ही लाभकारी सिद्ध होंगे। अनुकूल गोचर सिंह राशि वालों, समय ठीक है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्या करें ये बताने जा रहा हूं, आज गरीब निर्धन व्यक्ति को थोड़ा सहयोग करिएगा, संत सानिध्य का अवसर मिले तो छोड़ना नहीं, बड़ा अच्छा रहेगा। क्या ना करें, कार्य सफलता के लिए किसी से धोखा ना करें, नमन। अनुवाद करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, गोचर ये संकेत दे रहा है कि आज अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक सदस्य एक साथ बैठेंगे और पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में आप सफल होंगे, श्रेष्ठजनों के सहयोग और सहानुभूति की प्राप्ति से दिन भर मन प्रफुल्लित रहेगा, फिर भी आय सीमित है, खर्चा सोच समझ कर करना, न मना रहे। क्या करें, गोचर ठीक है लेकिन दैनिक दिनचर्या खान पान की प्रति नियमित रहना बहुत जरूरी है आज के दिन। क्या ना करें तो अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास ना करें, न मना रहे। करक सिंह कन्या की बात करें, तुला वृश्चिक धनु की बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले वास्तु सलाह राज का सुझाव। वास्तु सलाह में वास्तु ये संकेत दे रही कि घर का मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम भाग में है, तो जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों का मन मस्तिष्क में उग्रता और व्याकुलता रहेगी, ऐसा कहते हैं, इसलिए मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम में ना हो इसका प्रयास करना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता, देख लेना भाई नमूना। और बात करते हैं आज के सुझाव की। आज का सुझाव, यदि आपका मन काम में नहीं लग रहा है, हमेशा मानसिक अस्थिरता रहती हो, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता हो, तो
आज के दिन 11 गोमती चक्र विपरीत दिशा में उषार कर चौराहे पर खड़े होकर दक्षिण दिशा में फेंक दें। बहुत अद्भुत रहेगा ये। नवनयन बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि उस समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, परेशानियों से मुक्ति, कारोबार में सफलता और व्यवसाय में आशातीत लाभ की आशा की जा सकती है, क्योंकि समय लाभदायक है, फलदायक है। मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, बुजुर्गों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति के प्रबल योग और सारा दिन सफलता और खुशियों में बीतेगा। क्या करें, कार्य सफलता के लिए प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है, तत्पर रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, आज किसी को उधार ना दे। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, गोचर यह कह रहा है कि क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। जिस तरह के घरे योगायोग पिछली किसी घटनाक्रम के कारण हानि की प्रबल संभावना नजर आ रहा है, इसलिए सचेत रहे, लोगों पर अंधाविश्वास नहीं करें, अकारण अपनों पर अविश्वास भी ना करें। आज मान और सम्मान को ठेस लग सकती, अनजान व्यक्ति से कोई व्यावसायिक लेन देन न करे, धोखा होने की प्रबल संभावना है और पारिवारिक जीवन में भी तनाव। कहेंगे दाती महाराज शुभ शुभ क्या ये गोचर है, दोस्त सावधानी बता रहा हूं, छोटा सा उपाय है, ओम हम पवन दनाय स्वाहा, श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करो और श्रद्धानुसार गुड़ लाल कपड़े में बांध कर किसी निर्धन गरीब सफाई कर्मचारी विधवा महिलाओं को दान में देते हैं तो कष्ट कम आएगा। क्या करें, क्योंकि तनाव है तो दिन भर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सचेत रहना बहुत जरूरी। तनाव ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाए, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रहना आज थोड़ा सा जरूरी है। क्या ना करें, पारिवारिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज ना करें। नमूना बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, परिश्रम से बेहतर परिणाम सामने आएंगे और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग, पूर्ण साथ प्राप्त होगा, कारोबारी यात्रा सफल होगी। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा और यदि आप नौकरी में है तो नौकरी संबंधी परेशानियों का हल मिलेगा और धन लाभ होगा। क्या करें, गोचर यह संकेत दे रहा है कि यदि आप कहीं पूंजी निवेश करना चाहते हैं, चाहे व्यवसाय वस्तु खरीदना चाहते हैं या कोई मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो गोचर ठीक है। क्या ना करें, व्यर्थ का तनाव और चिंता अपने पर हावी ना होने दे। न मना रहे तुला वृश्चिक और धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात को, लेकिन उससे पहले उपाय और अद्भुत देसी नुस्खे। आप चाहते हैं कि आपको कारोबार में सफलता मिले, किए गए प्रयासों के बावजूद मनोनुकूल धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो प्रयासों के अनुकूल धन की प्राप्ति हो तो आप किसी गुरुवार को ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 11 गुरुवार, 21 गुरुवार का है, प्रत्येक गुरुवार को 9 पके हुए पपीते अपने ऊपर से 7 बार उसार कर अपने सामने रख दीजिए किसी शुद्ध टोकरी में। भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धापूर्वक ध्यान करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप घी का दीपक जला के करिए। तत्पश्चात पूजा के उपरांत ये 9 के 9 पपीते किसी गौशाला में जाकर अपने हाथ से अलग अलग 9 गायों को खिला दीजिए। ऐसा 21 गुरुवार, 43 गुरुवार, 11 गुरुवार श्रद्धानुसार करके देखिए, अवश्य धन संबंधी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नमन बात करते अद्भुत देसी नुस्खे। साथियों, नुस्खों की जो चर्चा करता हूं इसमें मेरी एक सलाह जरूर रहती है कि ये देसी नुस्खे हैं, जब तक आप किसी विशेषज्ञ के पास नहीं जाए इनको सहारा ले सकते, लेकिन किसी भी बीमारी में डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी, इसमें लापरवाही नहीं बरते। यदि मियादी बुखार है, इसे राहत पाने के लिए 10 मुनक्का या किशमिश मुनक्का और उसके बराबर पुदीना के पत्ते रात में आधा गिलास पानी में भिगो दे, सुबह इनको मसल कर कपड़ छान कर ले और रोगी को पिला दीजिए। एक तो रोगी की भूख में वृद्धि होगी और इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत नुस्खा, मानो न मानो आपकी मर्जी, और मैं बात करूंगा मकर राशि। मकर राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत है, गोचर यह संकेत दे रहा कि महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, मसले सुलझेंगे, वर्चस्व बढ़ेगा क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, समय शुभ और उत्तम है। व्यवसाय में लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, रुके हुए कार्य सहयोगियों की मदद से पूर्ण होंगे, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और कहीं न कहीं से शुभ समाचार जरूर मिलेंगे। क्या करें, मेरे साथी गोचर यह संकेत दे रहा कि पूंजी निवेश के लिए बहुत सब शुभ और समय लाभदायक है, अनुकूल है आज। क्या ना करें, वाहन आदि को तेज ना चलाएं। नमो नारायण।
बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, गोचर की बात कर रहा हूं और गोचर मध्यम है और मध्यम गोचर में सचेत रहना, सावधान रहना और जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। और उतने ही पांव पसारना चाहिए जितने लंबी सौड़, मतलब अपनी सीमाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था बढ़ेगी, लेकिन व्यवहार और वाणी की अनुकूलता को बनाए रखा तो सारा दिन बेहतर बीतेगा। कार्य स्थिति सामान्य है, कोई विशेष कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा लेकिन समस्या भी नहीं आएगी। लेकिन वाणी और व्यवहार ठीक रहा तो कष्ट कम आएंगे और दिन अच्छा बीत जाएगा। क्या करें, परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए व्यवहार और वाणी में थोड़ा परिवर्तन आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें, ना मना रहे। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, गोचर की बात कर रहा हूं, सितारों की बात कर रहा हूं और सितारे आज के दिन निजगत कर्मों की वजह अनुकूलता का संकेत देने रहे। सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि पारिवारिक स्थिति कष्टप्रद रहेगी, भाई बंधुओं का सहयोग नहीं मिल पाएगा, धनहानि से मानसिक तनाव है और कार्य क्षेत्र में उलझन बढ़ेगी और स्वजनों का सहयोग भी नहीं मिलेगा। ऐसा गोचर कह रहे, दाती महाराज कह रहे, छोटा सा उपाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरु नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करी और श्रद्धानुसार पीली वस्त्र किसी गरीब निर्धन स्वाघन स्त्री को दान में दीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु आपका कल्याण करें। क्या करें, जिस तरह की घर योगा योग है, कार्य सफलता के लिए समझौता करना आज के दिन उत्तम रहेगा। क्या ना करें, जीवन साथी से तकरार ना करें, न मना रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। पुनः मेरा निवेदन, सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपके पास है। साधारण सा व्यक्ति हूँ, मन की प्रसन्नता के लिए राष्ट्र की सेवा करता हूँ और मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ, हथेली में सरसों उगाता नहीं हूँ, अपने जीवन का अनुभव बांटना आता हूँ। मानो न मानो आपकी मर्जी साथियों। छोटा सा ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। लेकिन छोटा सा ब्रेक, न मना रहे। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप जीवन के अपनी श्वासों के साथ जुड़ना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहते हैं? चाहते हैं अपने संपूर्ण जीवन का आनंद का अनुभव करने? तो मैं आ रहा हूं आपके शहर में और वो क्रिया योग साधना तो मेरे जीवन भर का अनुभव है। जुड़िए क्रिया योग साधना से कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर लेना कि आपके शहर में किस किस तारीख को कहां मेरा प्रोग्राम है। नमन। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के सानिध्य में क्रिया योग साधना कार्यक्रम इस प्रकार है। 16, 17, 18 अगस्त 2017 चेन्नई में, 1-2 अक्टूबर को गांधीधाम गुजरात में। गांधीधाम क्रिया योग साधना कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं 1-2 अक्टूबर को गांधीधाम गुजरात में। गांधीधाम क्रिया योग साधना कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अशोक जी डूडी 9825326328, नंदू भाई जी 9825298252-2569, लक्ष्मण जी 9825264726, महेश जी 9909013390, परशुराम जी 9825228131, अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। 3, 4, 5 अक्टूबर 2017 अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं संजय मेहता 9828588900, 9414008900, जनक भाई जी 9274033333, देवेंद्र हिरण जी 9824547574, नरेंद्र जी 9824423655, अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। 8, 9, 10 अक्टूबर 2017 सूरत गुजरात में। सूरत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं जेठू सिंह जी 9998468
जी तो भाई सूरज जी 9825145214, उपेंद्र भाई जी 9427878555, अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। 11, 12, 13 अक्टूबर 2017 मुंबई में। मुंबई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। 24, 25, 26 अक्टूबर 2017 लखनऊ में। लखनऊ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं बीके सिंह जी 9999245555, अर्जुन जी 9810692003, मनीष जी 9784372528। 29 अक्टूबर सन 2017 गंज बसौदा जिला विदिशा। विदिशा कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संपर्क सूत्र हैं दीपक तिवारी जी 9827074966, 9406550316, अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। नमो नमः। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी घर में शांति नहीं, हमेशा पारिवारिक कलश रहता है। पारिवारिक सदस्य एक साथ बैठ नहीं पा रहे, पैतृक संपत्ति को लेकर कलह रहता हो। आज के दिन नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु जी का जल गंगा जल से पवित्र करने के उपरांत स्वच्छ जल से स्नान करें, पंचपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प आक्षत अर्पित करिए। ओम साधु वल्लभाय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान श्री हरि को कमल के नीले पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात शुद्ध आसन में बैठकर इसी मंत्र की 3 माला जाप करें। ओम साधु वल्लभाय नमः। पूजा के उपरांत बेसन के श्रद्धानुसार लड्डू गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमः नारायण। बात करते हैं गुरुवार के जीवन मंत्र की। मेरे साथियों, अद्भुत है मानव जीवन, क्योंकि मानव जीवन में मनुष्य जीते जी अनुभव कर सकता है। और हमारा ये जो जीवन है वो कुएं के समान है, और इसका पानी पीने से हमारे हृदय की प्यास बुझती। और जब तक हम इस संसार में मौजूद है साथियों, ये पानी हमेशा हमारे अंदर ही रहेगा। यदि हम अपने भीतर से उस पानी को निकालना सीख गए तो हम इस संसार में खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं, इस बात का ध्यान। लेकिन ऐसा कोई सदगुरु मिले जो युक्ति बताए कि उस भीतर की पानी को निकाल कर हम पी सके, वो हृदय की संतुष्टि हम कर सके, और ऐसा कोई सच्चा सदगुरु मिलता है तो मेरा प्रणाम नहीं, तो दाती महाराज हमेशा आपके साथ है। नमो नारायण। समय छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। जीवन का चक्र अनोखा है, जिसमें हमें सुखों के साथ साथ दुखों का भी सामना करना पड़ता है। परंतु जब दुखों का दायरा बढ़ जाता है और परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो हमें जरूरत होती है ऐसे सहारे की, जिसके द्वारा हम दुखों के इस भंवर से उबर सकें। सहारा है दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका। दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में आपके जीवन के हर कष्ट का हल है, यानी यह जन्म पत्रिका आपके जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को हर लेगी। क्योंकि दाती गुरुमंत्र जन्म पत्रिका में लाल किताब, रत्न विचार, काल सर्प योग, मांगलिक विचार, ढैया, 7.5, महादशा आदि के उपाय कब और कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। इस जन्म पत्रिका में आपको आपके जीवन के हर पहलू से जुड़ी जानकारी मिलती है, साथ ही समस्त दुखों, कष्टों, संकटों तथा संतापों को दूर करने वाले बेहद सरल, सटीक एवं प्रभावी उपाय भी इस जन्म पत्रिका में शामिल है। जीवन में होने वाली अनहोनी तथा
बुरी घटनाओं को बेअसर करने के लिए भी सरल एवं सटीक उपाय इस जन्म पत्रिका में उपलब्ध है। सुनहरे भविष्य तथा उन्नति की राह पर बढ़ने का उपाय भी दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका में निहित है। यानी जिस व्यक्ति के पास दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका का दीपक होगा, उसकी जिंदगी की राह में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश होगा। जीवन में दुखों को दूर कर सुख की राह दिखाने वाली दाती गुरु मंत्र जन्म पत्रिका आप भी घर बैठे मंगवा सकती हैं। हमारी वेबसाइट www.chunidham.in पर भी लॉग ऑन करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये समय है प्रभु दर्शनों का, दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना यही है। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय, शुक्रवार का राशिफल, माँ लक्ष्मी को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र सुझाव, देसी नुस्खे और धनवर्ष उपाय लाऊंगा, वास्तु सलाह लेकर आऊंगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपनी गुनाह, अपनी भूल की आप सभी लोगों से माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।